फ्रेंड्स, दिस इज मितुल. आज का मेरा वीडियो ब्राइडल हैंडबैग पर है. व्हाट शुड बी इन अ ब्राइड्स हैंडबैग. तो आज का मेरा वीडियो उन ब्राइड्स के लिए डेडिकेटेड है, या फिर टू बी ब्राइड्स के लिए डेडिकेटेड है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत होगी ऐसे किसी वीडियो की, क्योंकि अभी मेरी हाल में ही शादी हुई है. तो मुझे बहुत कुछ मेरे हैंडबैग में जो था, मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली उससे. एंड ऑफ कोर्स मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो लेट्स सी कि मेरे बैग से क्या निकल के आता है. सबसे पहले जो मेरे बैग से निकल के आएगा वो होगा आपका फ़ोन, क्योंकि आपका फ़ोन इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस. आपको अपना फ़ोन और उसकी चार्जर एंड हेडफोन्स और ईयरपीस वो हमेशा रखनी चाहिए अपने हैंडबैग में, एंड ऐसी जगह पे रखनी चाहिए. मैंने यहाँ पे एक अलग से सेक्शन में इसे डाल रखा है, एंड ताकि मुझे ये जल्दी से जल्दी मिल जाए. अगर फ़ोन रिंग हो रहा हो तो मुझे टाइम ना लगे उसे उठाने के लिए. नेक्स्ट जो मेरे बैग से निकल के आएगा वो है एक हैंडकरचीफ जो मैंने रखा था अपने हैंडबैग में. उसके बाद मैंने ये जॉनसन्स का जो वेट वाइप्स होता है मैं वो यूज़ करती हूँ. सो मैंने अपने वेट वाइप्स रखा था साथ में, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिली, क्योंकि जब मेरी विदाई हो रही थी उसके कुछ दूर के बाद, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, 8 और 10 आवर्स की हमारी जर्नी थी मेरी विदाई के बाद, तो मुझे अपने हैवी मेकअप को रिमूव करना था, तो उसके लिए मैंने वेट वाइप्स का यूज़ किया था. एंड सो नेक्स्ट थिंग कमिंग आउट वुड बी डीओ, एनी डीओ, आपका जो भी फेवरेट डीओ है आप वो ज़रूर रखें. एंड तो मैं यहाँ पे ऑसम का ये डीओ यूज़ करती हूँ, सो विच इज़ रोमांस. सो ये मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, ये आपको ज़रूर से रखना चाहिए. एंड नेक्स्ट जो मेरे हैंड बैग से निकल के आ रहा है वो है पॉन्ड्स का, ये मेरे पास ट्रिपल विटामिन सिल्की स्मूथ स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो बेसिक बॉडी लोशन, आप कोई सा भी बॉडी लोशन रख सकते हो, हैंडी वाला बॉडी लोशन भी रख सकते हो जो कि इजीली आपको मिल जाए. नेक्स्ट थिंग कमिंग आउट फ्रॉम द मेन चेन वुड बी मेरा एक मॉइस्चराइजर, लोटस का मेरे पास मॉइस्चराइजर है. सो मैंने वो रखा था अपने पास, लोटस वाइट ग्लो, सो ये रखा था मैंने. आप कोई भी मॉइस्चराइजर रख सकते हो. उसके बाद ऑफकोर्स एक कोम्ब आपके पास एनी टाइम रहना चाहिए. फिर मैंने ये पॉन्ड्स का जो मेरा नेचुरल मूज फाउंडेशन है ये रखा था, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. और उसके बाद मैंने एक दो बिंदी अपने हैंडबैग के मेन चेन में डाल रखी थी, जो कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बिंदी अप्लाई कर पाऊँ. जैसे कि अक्सर होता है, अभी भी मेरी बिंदी मैं कहीं पे मैं गिरा देती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अपने हैंडबैग में एनी टाइम रखो. उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एक ये पाउच है जो मैंने रखा था, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है. ये पाउच काफ़ी हेल्पफुल चीज़ों से भरा हुआ है. उसके बाद ये लोटस का वाइट ग्लो कट 3-in-1 डीप क्लेंजिंग स्किन वाइटनिंग फेशियल फोम है जो मैंने रखा था अपने हैंडबैग में. आप कोई भी हैंडी छोटा वाला फेस वॉश भी रख सकते हो. नेक्स्ट लैक्मे एब्सोल्यूट का मेरे पास जो कॉम्पैक्ट है वो मैंने रखा था अपने हैंडबैग में. एंड ऑफकोर्स ये जो साइड चेन होती है हैंडबैग की, इसमें मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी थी, जैसे कि आप सैनिटरी नैपकिन वगैरह इसमें रख सकते हो. तो ऑफकोर्स सैनिटरी नैपकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप ज़रूर रखो. एंड अगेन साइड चेन में मैंने कुछ बिंदी डाल रखी थी, ताकि अगर हड़बड़ में मैं हूँ तो मुझे जल्दी से बिंदी मिल जाए एंड मैं उसे निकाल करके अप्लाई कर पाऊँ, जैसा कि मैं अभी करने वाली हूँ. फिर नेक्स्ट जो साइड चेन में से निकल के आएगा वो है मेरा हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जल्द से जल्द मिलनी चाहिए अपने बैग में से. फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड सैनिटाइज़र हो गया, फिर यहाँ से मुझे मेरा ये लैक्मे का लिप बाम, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है. फिर कुछ सेफ्टी पिंस या फिर साड़ी पिंस की आप बंडल ज़रूर रखें, एंड कुछ बॉबी पिंस या फिर जो नॉर्मल जो क्लिप्स होती हैं उनके कुछ पीसेस आप अपने साइड चेन में ज़रूर रखें. एंड ऑफ कोर्स कुछ पैसे आप इसमें डाल के ज़रूर रखें. तो साइड चेन से मैंने आपको दिखाया जैसा कि मेरे पास सैनिटाइज़र था, लिप बाम एंड कुछ सेफ्टी पिंस एंड कुछ बॉबी पिंस, एंड आपको जिस भी तरह की क्लिप्स रखनी है वो आप इसमें रख सकते हो, या फिर हेयर बैंड्स वगैरह कुछ आप एक्स्ट्रा डाल के रख सकते हो, तो ताकि आप
आपका अगर बाल खराब हो गया हो या ऐसा कुछ भी हो तो आप इजीली अपने हैंडबैग से कोम निकालो एंड इमीडिएटली उसे सेटल कर पाओ. जैसे कि क्लचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसमें रखोगे तो. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके वॉलेट में रहनी चाहिए आपके हैंडबैग में वो होगी आपका वॉलेट. सो ये मेरा वॉलेट है जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ. तो फ्रेंड्स ये था बेसिक जो मेरे बैग में था. सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि हैंडबैग में मैं हमेशा फ़ोन रखती हूँ जो कि ईजिली एक्सेसिबल हो. एंड उसके बाद आपके पास एक सैनिटरी नैपकिन होनी चाहिए, फिर हैंडकरचीफ होने चाहिए, कुछ वेट पाइप्स होनी चाहिए, बॉडी लोशन अगर ज़रूरत पड़े तो. एंड बॉडी लोशन के साथ आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र रखें अपने पास. अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कभी भी फाउंडेशन अप्लाई कर पाओ, चूँकि मूस फाउंडेशन बहुत ईजी होता है अप्लाई करने के लिए, तो मैंने ये रखा था अपने पास. एंड देन कॉम्पैक्ट. और अगर आपके पास मौका लगे तो आप फेस वॉश कर पाओ तो आपके पास एक फेस वॉश भी होना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफकोर्स डीओ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. एंड मैंने उसके अलावा कुछ बिंदीज अपने हैंडबैग में रख रखी थी. अब देखते हैं ये जो पाउच निकल के आया मेरे हैंडबैग से इसमें मैंने क्या क्या रखा था. तो फ्रेंड्स इसमें मैंने सबसे पहले कुछ अपने लिपस्टिक्स रखे थे जो मेरे फेवरेट लिपस्टिक्स हैं. दो तीन शेड्स मैंने रख रखे थे कि क्योंकि मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा लिपस्टिक लगाना चाहूँगी, मैंने वो रखा था. उसके अलावा कुछ लिप ग्लॉस ताकि अगर इमीडिएटली अप्लाई करना पड़े तो मैं इसे कहीं पे भी लगा सकती हूँ. मैं इसे ट्रैवल करते वक्त भी, कभी कभी कैब में, ऑफिस जाते वक्त मैं इसे अप्लाई करती हूँ. तो चूँकि ईजी होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लिपस्टिक लगाने के लिए, तो मैं लिप ग्लॉस ज़रूर रखती हूँ अपने पास. इसके अलावा पॉन्ड्स का बीबी क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ ये रहता है मेरे पाउच में. तो आप फाउंडेशन अगर लगाना चाहो तो आप वो लगा लो. अगर आप चाहो कि आप बीबी क्रीम के ऊपर फाउंडेशन लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट मेरे पास जो भी निकल के आएगा वो होगा आई मेकअप का, जो कि बेसिक आई मेकअप है. क्योंकि आई शेडो वगैरह ले करके ट्रैवल करना वो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि आप आई शेडो कहीं पे लगा पाओ आराम से. सो बेसिक जो आई मेकअप के लिए होता है कि आईब्रो पेंसिल पहले, तो फिर हो गया आपका काजल. एंड देन ये जो मेरे पास लैकमे एब्सोल्यूट का प्रिसेशन लिक्विड लाइनर है ये. एंड मेरे पास मेबेलिन का हाइपरकर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्करा जो है मैंने ये रख रखा था. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मेरे पाउच में देख पा रहे हो तो अभी कुछ चीज़ें ही बची हैं, जिसमें से कि है मेरा लैकमे का कुछ नेल पेंट्स, लैकमे के कुछ नेल पेंट्स हैं ये मैंने रखा था अपने पास. एंड एक दो सिंदूर की जो स्टिक होती है जो लिपस्टिक वाली, क्योंकि हैंडी यही है, तो ये मैंने रखा था अपने पास. तो ये पाउच जो है वो बेसिकली मैं अभी भी अपने ऑफिस पर्पस के लिए भी रख लेती हूँ अपने ऑफिस वाले बैग में, ताकि अगर कभी भी मैं मेरे पास घर पे टाइम ना हो तो मैं आराम से इसमें से एक बीबी क्रीम निकालूं. और बीबी क्रीम अप्लाई करने के बाद अगर मुझे ज़रूरत लगे तो मैं कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ जो भी मैं इसमें रखती हूँ अब. एंड उसके अलावा मेरे पास जो लिप ग्लॉसेस हैं, नेल पेंट्स हैं एंड जो काजल, आईलाइनर, मस्करा वगैरह है, ये मैं एक पाउच में रखती हूँ ताकि मुझे हमेशा ही ये पाउच काम देता है. तो फ्रेंड्स दिस इज़ द पाउच दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, जो आपको रखना चाहिए अगर आप एक होने वाली ब्राइड हो तो. सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आई थिंक इट वाज क्विक एंड मेरे वीडियोस काफ़ी क्विक होते हैं, मैं उतना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ ज़्यादा बातें करके, तो क्योंकि मुझे कोई सेंस नहीं लगता ऐसे वीडियोस बनाने का या फिर देखने का भी कि जिसमें आपका कंटेंट बहुत कम हो एंड ज़्यादा बातें हों. तो अगर आपको मेरा भी ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ हिट ऑन लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन दैट इज़ नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, सो दैट यू विल रिसीव नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.